रेलवे मेट्रो रैपिड रेल ट्रेन की नई नई सौगात वंदे भारत अमृत भारत अमृत भारत नमो भारत ट्रेन के रूप में मिल रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, हर कमिश्नरी में विश्वविद्यालय बन रहे हैं, आईआईटी आईएम ट्रिपल आईटी एनआईटी एम्स जैसे संस्थान खड़े हो रहे हैं और हर घर नल योजना के माध्यम से शुद्ध पेयजल भी उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। बहनों और भाइयों याद करिए, ये समाजवादी पार्टी की सरकार के समय गरीब भूख से मरता था, गरीब चिकित्सा सुविधा के अभाव में दम तोड़ता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान की नौकरी पे सेंध लगती थी, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी। लेकिन बहनों और भाइयों मोदी जी ने मंदिर भी बनवाने का काम किया, रामलला को विराजमान करने का काम किया। तो हमने कहा मोदी जी अगर रामलला को विराजमान कराने का काम कर रहे हैं और अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं तो एक बड़े बड़े माफिया और अपराधी जो जनता का खून चूसते थे, हमने कहा इनकी भी राम नाम सत्य है कि यात्रा निकाल लेनी चाहिए। बहनों और भाइयों आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश में कोई माफिया, जितने दुर्दांत माफिया थे या तो जहन्नुम में चले गए या फिर प्रदेश छोड़कर के सदाओं के सदैव के लिए मुक्त हो चुके हैं। बहनों और भाइयों आज आप देखो गरीब के लिए राशन भी है, 5 लाख रुपए के आयुष्मान के कार्ड की सुविधा भी है, किसान के लिए किसान सम्मान निधि है, गरीब के लिए पेयजल की व्यवस्था भी है, घर घर में शौचालय का निर्माण हो रहा है, तो घर घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन भी है। मोदी जी ने कहा है तीसरी बार सरकार बनेगी, तीसरी बार सरकार बनेगी तो 70 वर्ष से ऊपर के हर व्यक्ति को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों मोदी जी ने कहा है कि तीसरी बार जब सरकार बनेगी हर वह गरीब जिसके पास आवास नहीं होगा एक एक आवास 5 वर्ष के अंदर सभी को उपलब्ध करवा देंगे। और बहनों और भाइयों मैं इसीलिए आपके पास आया हूं, आपसे यही कहने के लिए आया हूं कि जिन लोगों ने आजमगढ़ के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, ये आजमगढ़ को जिन्होंने आतंकवाद का गढ़ बना दिया था उसके कारण आप कहीं बाहर जाते थे लोग आपको शक की निगाहों से देखते थे, आपके सामने पहचान का संकट था, अरे वो तो निरुआ आ गया। आज आप जाते हैं लोग सम्मान की निगाहों से देखते हैं, कहा अच्छा आजमगढ़ से जहां से निरुआ सांसद है। और बहनों भाइयों ये भोजपुरी के बहुत अच्छे कलाकार हैं, गाते भी हैं एक्टिंग भी करते हैं और इनके कहने पर अब हम लोगों ने आजमगढ़ में संगीत महाविद्यालय का निर्माण के लिए भी पैसा उपलब्ध करवा दिया है। अब तो यहां पर कई लोग प्रशिक्षण लेंगे, कला का प्रशिक्षण, कला ईश्वरीय देन होती है। और बहनों और भाइयों बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। समाजवादी पार्टी अपराधी पालती थी, अपराधियों की फैक्ट्री चलाती थी, माफियाओं की फैक्ट्री चलाती थी और निरोवा यहां पर संगीत महाविद्यालय के माध्यम से नए नए कलाकार पैदा करके भारत के संगीत जगत को एक नई ऊंचाई देने का काम करेंगे। बहनों और भाइयों गांव से निकला हुआ एक निरुआ आज अपने दम पर अपनी मेहनत से अपने पसीना बहा करके मुंबई जाकर के एक बेहतरीन कलाकार बना। और इसीलिए जब मैं मुंबई गया था उत्तर प्रदेश दिवस पर, ये निरुआ और रवि किशन दोनों मुझे मिले। अरे हमने कहा यहां क्या कर रहे हो, कहा कि यहां पे हम एक्टिंग करते हैं। हमने कहा एक्टिंग बहुत हो गई है, अब अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए भी कुछ करो, चलो विकास के कार्य के लिए। और बहनों और भाइयों आपने देखा होगा निरुआ को आजमगढ़ से, रवि किशन को गोरखपुर से सांसद बनाकर के देश की संसद में भेजे हैं, आपके आशीर्वाद से बना के भेजे हैं ना, दोनों लोग जीते हैं ना। और इसीलिए मैं कह रहा हूं गरीब की मेहनत को सम्मान दिया जाना चाहिए।
उसके परिश्रम को सम्मान दिया जाना चाहिए, उसके द्वारा बहाए जाने वाले पसीने को सम्मान दिया जाना चाहिए, और वही सम्मान देने के लिए हम आए हैं। एक समाजवादी पार्टी थी, उसके समय में संजरपुर और सराय मीर की घटनाएं घटित होती थी, हर आतंकी घटना में नाम आता था आजमगढ़ का, और परेशानी होती थी यहां के नौजवानों को। आजमगढ़ के नाम पर नौकरी की बात तो दूर, कोई धर्मशाला और होटल में कमरा भी नहीं देता था। और बहनों और भाइयों, आज आप जाएंगे, आज